हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर हम ये दो कलर्स को यूज़ करते हुए बेहद आसान और प्यारा सा पैटर्न बनाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई बोल ली है और ये 11 नंबर सिलाई है, 3 mm साइज। तो देखिए, जो इसके लिए हमने फंदे लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 8 एक्स्ट्रा, 12 के मल्टीपल फंदे और 8 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। मैंने यहाँ पे 24 और 8 तो 32 फंदे लिए हैं, 32 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और फर्स्ट रो राइट साइड से, ये हमारे पैटर्न की रो नहीं है, ये हमारे फाउंडेशन रो है। तो इसे हमने सारे फंदे सीधे बुनकर बनाना है। ऑल द स्टिचेस इन फाउंडेशन रो राइट साइड, क्योंकि हमारी पहली सिलाई पैटर्न की जो है वो रॉन्ग साइड से शुरू होनी है, तो इसे हम सारा जो है सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ऑल, अब देखिए पैटर्न की रो 1 रॉन्ग साइड से, पहली सिलाई उल्टी तरफ से बुनाई पैटर्न की, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पहली सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 1 रॉन्ग साइड, तो ये सारे फंदे पहले हम उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, ये देखिए सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब रो 2 राइट साइड से दूसरी सिलाई सीधी तरफ से, इसमें भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरफ से। नीट ऑल द स्टिचेस इन रो 2 राइट साइड, नीट ऑल, ये सीधी बुन लेते हैं पूरी रो। ये देखिए, ये रो हमने सीधी बुन ली। अब रो 3 रॉन्ग साइड तीसरी सिलाई, इसमें फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये हमने जो है 3 सिलाइयां स्टॉकिंग नेट स्टिच से बना ली है, जिसमें उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हमारी ये 4th रो है, चौथी सिलाई है, इसे हम अपने सेकेंड कलर से बुनेंगे। ये देखिए रो 4th राइट साइड, इसको हमने अपने सेकेंड कलर से बुनना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा जो है इसे तो सीधा बुनेंगे क्योंकि कलर चेंज किया है, फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। नीट 5 स्टिचेस आफ्टर एच, 3 4 5 5 स्टिचेस बुनने के बाद हमने इस तरह से टर्न कर लेना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। नीट 3 स्टिचेस ऐसे, फिर से टर्न करेंगे और इस बार हम इसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, जो ये इस तरफ से हमने मुड़ के बुने थे। अब इन तीनों को उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे ऐसे। उसके बाद हमने 12 फंदे सीधे बुनने हैं। नीट 12 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब 12 स्टिचेस 12 फंदे बुनने के बाद फिर से हम टर्न करेंगे और जैसे हमने ये 4 फंदे फिर से बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3, फिर टर्न कर लेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल दिस 3 स्टिचेस और फिर हमने धागा पीछे करके 12 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यही 12 फंदे हमने जो है बार बार रिपीट करते हुए जाना है पूरी रो में। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बुन लिए। अब फिर यहाँ पे टर्न करेंगे और फिर वही करेंगे। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 3 फंदे सीधे और फिर टर्न कर लेंगे और फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर आगे के हमने 12 फंदे सीधे बुनते जाना है। लास्ट में जब ये हम इस तरह से टर्न करके ये फंदे बुनेंगे, उसके बाद हमारे 2 फंदे बचेंगे। स्टार्टिंग में भी ये 2 फंदे थे हमारे,
ये देखिएगा ये, तो लास्ट में भी हमारे दो फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, दिस टू स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप किया, अब इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद ये एक दो तीन चार, चार फंदे हमने ये भी सीधे बुन लेने हैं, वन टू थ्री फोर ऐसे, और यहाँ से टर्न कर लेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। फ्रेंड्स ये स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा, फिर ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने ऐसे, फिर यहाँ पे हम टर्न करेंगे यूं, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे इस बार हमने सीधे बुनने हैं, नीट टू, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और हमने ये जो फंदे हमारे बाकी हैं, अब फिर हम इन 12 फंदों को सीधा बुनेंगे, नीट 12 स्टिचेस अगेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो ये हमारे जो 9, 10, 11, 12 है, ये वही फंदे हैं जिनको हमने दो बार बुना था। अब देखिए टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनेंगे, पर्ल थ्री, फिर टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे और तीसरे जो चौथा फंदा है फोर्थ स्टिच, इसे भी स्लिप करेंगे लेकिन धागा आगे लाकर स्लिप करेंगे यूं, और फिर 12 फंदे सीधे, नीट 12, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। फिर यहाँ पे टर्न करेंगे, एक फंदा स्लिप। तो फ्रेंड्स यही 12 फंदे हमने बार बार रिपीट करते हुए बनाते जाना है। देखिए ये तीन फंदे उल्टे, फिर से टर्न किया, एक फंदा स्लिप करेंगे इस बार, दो फंदे ही बुनेंगे और फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे धागा आगे लाकर, फिर धागा पीछे ले जाकर 12 फंदे सीधे। तो ऐसे बुनते जाएंगे, लास्ट में जब ये चार फंदे हम बुन लेंगे उसके बाद हमारे ये एक फंदा सीधा आएगा और लास्ट फंदा उल्टा आएगा, क्योंकि रॉन्ग साइड है, हेड स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो है फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली। अब सिक्स्थ रो, छठी सिलाई देखिएगा, इसमें इसे हमने फिर से अपने फर्स्ट कलर से बुनना है। तो पहला फंदा जो है इसे भी बुनेंगे क्योंकि कलर चेंज किया है, उसके बाद हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं, नेट टू आफ्टर एच, ये जो दो फंदे हैं बीच के, ये चार के बीच के दो फंदे हैं जो चार हम बुन रहे थे ये, तो इन्हें हमने बिना बुने उतार लेना है, स्लिप टू विद यार्न इन बैक, धागा पीछे रहेगा। फिर अगले हमने 10 फंदे सीधे बुनने हैं, नेट 10 स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 फंदे सीधे बुने, फिर से हम दो फंदे वैसे ही स्लिप करेंगे, स्लिप टू। तो यही 12 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, 10 बुनते जाएंगे और दो स्लिप करते जाएंगे, और ये दो वो फंदे हैं जो चार के बीच के दो फंदे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर से हम 10 फंदे सीधे बुनेंगे, कीप रिपीटिंग दिस 12 स्टिचेस, नेट 10 स्लिप टू विद यार्न इन बैक। एट नाइन टेन स्लिप टू, फिर से दो स्लिप कर लिए। तो ऐसे हम जब बार बार करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमने सिक्स थ्रो, छठी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली है। देखिए अब सेवन थ्रो, सातवीं सिलाई, इसे हमने फिर से रो वन की तरह बुनना है, यानी कि सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, जो ये हमने स्लिप किए थे इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे।
तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हम उल्टे बुन चुके हैं। अब फिर से हमने दो सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी की बुन लेनी है। वर्क टू मोर रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच यूजिंग कलर वन, इसी बेस कलर से, यानी कि जैसे हमने रो टू एंड थ्री बुनी थी वैसे ही इनको बुनना है। तो ये हम टू रोज और इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। दो सिलाइयां, ये वाली सीधी और एक वाली उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो है नाइन्थ रो तक बना चुके हैं। अब देखिए हम फिर से जो है सेकंड कलर से बनाई शुरू करेंगे। यही चीज हमने बनानी है, लेकिन इस बार ये जो हमारे दो मोटिव्स बन रहे हैं ये यहाँ पे आएंगे इन दोनों के मिडल में। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा तो सीधा बुनते थे वो बुनेंगे ही, उसके बाद हमने 11 फंदे इस बार सीधे बुनने हैं। पहले हमने एक ही सीधा बुना था और फिर ये चार फंदे जो थे इस तरह से बनाए थे। इस बार हम, यानी कि पहले हमने स्लिप करने के बाद पांच फंदे सीधे बुने थे, एक बुनने के बाद चार में हमने वर्क जो है टर्न किया था। इस बार हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, स्लिप वन और नेट 8 स्टिच एंड नेट 11 स्टिचेस आफ्टर दैट। अब फिर टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे ले जाएंगे और जैसे हमने ये रो बनाई थी बाकी हमने वैसे ही बनाना है। देखिए तीन फंदे सीधे, टर्न किया, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे ले गए, ये हमारे सारे जो हैं फंदे इस तरफ से उल्टे रहेंगे, उस तरफ से भी, इस तरफ से भी, रिवर्स स्टॉकिंग स्टिच पे बना है ये, देखिए इस तरफ से ही सीधा दिखेगा आपको। तो इन फंदों को हमने उल्टे बुन लेना है इस तरफ से ऐसे, फिर धागा पीछे ले जाकर ये वाले फंदे जो 12 फंदे सीधे बुन लेंगे, 12 स्टिचेस, 3, 4, 5, 6। तो बीच की हमने रो जैसे ये बुनी थी वैसे ही बुननी है, सिर्फ साइड्स में हमारे जो है फंदे इस बार, ये देखिए यहाँ पे हमारे दो ही आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे ये ज्यादा आएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच आना है ये। तो सिर्फ यही हमारा जो है चेंज होगा, 2, 4, 6, 9, 10, 11 और 12। 12 फंदे बुनने के बाद हमने टर्न कर लेना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर से टर्न करेंगे, एक को स्लिप करेंगे, तीन उल्टे बनेंगे, 1, 2, 3 और फिर धागा पीछे ले जाकर 12 फंदे सीधे। तो ऐसे बुनते जाएंगे, लास्ट के हमारे जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ये सीधे आएंगे और ऐसे स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है 10th रो, 10वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट की। अब 11वीं सिलाई देखिएगा, रो 11, इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये 7 फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा हमने ये 4 फंदे भी सीधे बुनने हैं, यानी कि स्लिप करने के बाद हमने 11 फंदे सीधे बुनने हैं। स्लिप 1 नेट 11 स्टिचेस, 3 एंड 4, 11 फंदे सीधे बुनकर हम टर्न कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप किया जैसे हर बार कर रहे थे, इसे आप थोड़ा टाइट बुनिएगा तो ये आपका जो है लूज नहीं बनेगा। फिर टर्न करने के बाद हमने इन तीन फंदों को उल्टा बुनना है, पर्ल दिस 3 स्टिचेस, 1, 2, 3, फिर से टर्न करेंगे, पहले को स्लिप किया, इस बार हमने 2 सीधे बुनने हैं और लास्ट फंदा भी स्लिप कर लेना है यूं धागा आगे लाकर। फिर 12 फंदे सीधे बनेंगे, 12 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, तीन फंदे उल्टे, फिर से टर्न, पहले को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे,
और तीसरा फंदा यानी कि चौथा फंदा स्लिप करने के बाद दो सीधे और चौथा फंदा स्लिप, फिर 12 फंदे सीधे। तो पूरी रो ऐसे ही करते जाएंगे, लास्ट में हमारे ये 8 फंदे सीधे आ जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और क्योंकि रॉन्ग साइड है तो ये हमने लास्ट फंदा उल्टा बुन लेना है पर्ल द एच स्टिच। अब फिर वही करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए रो 12th 12वीं सिलाई, ये 12 ही सिलाई का पैटर्न है, ये हमारी लास्ट रो है। देखिए इसमें हमने फिर वही करना है, इन फंदों को तो सीधा बुन लेंगे। 3, 4 और जो ये हमारे 4 फंदे थे इसमें से हमने बीच के 2 फंदे स्लिप कर लेने हैं यू, और फिर हमने 10 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से 2 फंदे स्लिप, फिर से 10 फंदे सीधे। तो पूरी रो ऐसे ही बनाते जाएंगे और फ्रेंड्स यही 12 रोज यही 12 सिलाई ही हमने बार बार रिपीट करनी है। अब फिर हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे यानी कि सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। कीप रिपीटिंग दीज 12 रोज फॉर द पैटर्न। अब फिर हम रो 1 की तरह सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो जब हम ये 12 सिलाई बार बार जो है रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही प्यारा सा और जो है क्यूट सा पैटर्न है जो आप बेबीज के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं या आप इसको सेम कलर में बनाते हुए जेंट्स स्वेटर्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स इससे आप बना सकते हैं, बैग्स, पर्सेस, कुशंस एटसेट्रा। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखता है ये। और फ्रेंड्स आप इसको जो है व्हाइट जो ये हमने कलर्स यहाँ पे सेम किया है आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, हर स्ट्रिंग के साथ आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये किसी भी कलर में बनेगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा बनाने के बाद। थैंक यू।